हुए वो कंधे खड़े हुए कि हम जब मुख्यमंत्री जी राबड़ी देवी जी जब बनी तो हम बच्चे थे, बड़ा हम देखते थे लोग जो हैं उनको अजीब अजीब तरीके से टिप्पा टिप्पणी करते थे, अजीब देहाती है, गंवार है, अनपढ़ है, क्या क्या नहीं कहा गया। और आप तो जान ही रहे सब लोग, पिता के हमारे साथी भी रहे हैं, उस समय भी जब हमारे पिता ने मेरी माँ को गौना करा के आए तो इमरजेंसी में जेल चले गए, लगातार जेल चले गए, लगातार 9 बच्चों को उन्होंने अकेले जो है संभालने का काम किया। इनका अपना समय है, बोलने दिया जाए, समय है इनका अपना। अरे बोलने दीजिए। तो हम सभापति महोदय हम ये कहना चाहते कि क्या क्या टिप्पणी नेम किए, लेकिन जब उनको ये जिम्मेवारी मिली तो 97 में मिली थी, जो परिस्थिति था उसमें उनको लोगों ने चुन करके नेता बनाया और उनका मुख्य अपमान मत कीजिए आज के दिन, थोड़ा तो महिलाओं का सम्मान कीजिए, प्रथम महिला मुख्यमंत्री रही तो इसके बारे में थोड़ा हम लोगों को समझेगी। आप लोग बैठे बैठे कोई बात नहीं करेंगे, 97 में वो मुख्यमंत्री बनी। बारी होगी खड़ा होकर बोलिएगा, लेकिन अभी सुनिए सभापति महोदया, 97 में उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, मुख्यमंत्री बनी, लेकिन अपने काम से उन्होंने घर भी संभाला, राज भी संभाला। उन्होंने जो है आप देखिएगा जो जीडीपी जो देश का था, हमने आंकड़ा दिया, कई गुना जो है हम लोगों का बिहार का उस समय बेहतर रहा। और यही नहीं, अपने बलबूते पर 2000 का चुनाव भी जीत करके आए, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, तो ये बात हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए। अभी जो अनीता जी ने जो सवाल उठाया, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते क्योंकि अब उप मुख्यमंत्री जी ने मोहन भागवत जी का और आरएसएस संगठन का नाम लिया है, तो हम कुछ नहीं बोल रहे, हम खाली एक आर्टिकल है इंडिया टुडे का, इंडिया टुडे देश का सबसे माना प्रतिष्ठान वाला जो है एजेंसी है, न्यूज चैनल है और इसका मैगजीन जो है नंबर 1 है, इसमें लिखा आरएसएस चीफ मोहन भागवत एट इट अगेन, says women should be just housewife and husband should be the breadwinner. अभी आप हम नहीं, नहीं सुनिए सुनिए, ऐसा है नहीं। अगर देश की आजादी में भी लड़ाई लड़ी तो सब आरएसएस के साथ महिलाओं ने भी लड़ी है और पूरा एजुकेशन का काम भी संभाली है, काम भी करती है। आजकल अरे सुना जाए, हमने नहीं बोला कुछ, शांति बना रखी है, बोल ही नहीं रहे कुछ, हम कहां बोले, जो उप मुख्यमंत्री जी बोलिया, जो मोहन भागवत जी बोले वही हम, शांति बनाए रखे। एक सेकेंड, सुनिए ना, अरे तो बोल रही है तो सबको बुलवाए ना, बोलिए तो हम बैठ के सुने कि नहीं, बैठ के सुने ना, बैठ अब सुनिए।